गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम इन क्लास थ्री प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नोटबुक का वर्क करवाया था जिसमें मैंने क्वेश्चन आपको सिक्स टू नाइन करवाए थे और अभी उसमें क्वेश्चन थ्री और हैं टेन इलेवन एंड ट्वेल्व आज हम वो करेंगे ठीक है सो स्टार्ट टेंथ क्वेश्चन इन ए पार्किंग लोड वन हंड्रेड थर्टी फाइव स्कूटर्स टू हंड्रेड सिक्स मोटरसाइकल्स एंड थर्टी सेवन साइकल्स आर पार्क सेपरेटली हाउ मैनी ट टू व्हीलर्स इन ऑल आर पार्कड इन दार्किंग लॉट पार्किंग लॉट है वहाँ पर वन थर्टी फाइव स्कूटर्स टू हंड्रेड सिक्स मोटरसाइकल एंड थर्टी सेवन साइकल्स पार्क की गई है सेपरेटली ठीक है मतलब अलग अलग हाउ मैनी टू व्हीलर्स इन ऑल आर पार्क इन द पार्किंग लॉट यानी टू व्हीलर्स टोटल टू व्हीलर्स कितने पार्क किए गए हैं पार्किंग लॉट में ये पूछा है मतलब तीनों की कुल मिलाकर कितनी संख्या वहां पार्क की गई है आप आपसे ये पूछा है तो देखो इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी इन अ पार्किंग लोड पार्कड स्कूटर्स वन हंड्रेड थर्टी फाइव पार्कड मोटरसाइकल्स टू हंड्रेड सिक्स साइकिल्स पार्क थर्टी सेवन अब आपसे पूछा है कि टोटल टू व्हीलर्स कितने पार्क किए गए हैं तो क्या बनेगी लाइन टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर्स पार्क ठीक है पहले हम इसको प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिख लेंगे ओके वन थ्री फाइव टू जीरो सिक्स थ्री सेवन एंड एड दैम ओके ये आप ऐड कर लेंगे ओके फिर आपका आंसर आ जाएगा कि कितने टू व्हीलर्स पार्किंग लॉट में हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन ए काइट सेलर हैज़ टू हंड्रेड फिफ्टी फोर काइट्स विद लॉन्ग टेल्स एंड वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन मोर देन दैट विद शोर्ट टेल्स हाउ मैनी काइट्स विद द शोट टेल्स डज ही हैव आपको पूछा है कि एक काइट सेलर है उसके पास टू हंड्रेड फिफ्टी फोर काइट्स लॉन्ग टेल के हैं काइट्स हैं और वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन मोर देन दैट विद शोट टेल यानी वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन मोर काइट्स हैं शोट टेल के किससे लॉन्ग टेल काइट्स से ओके okay? तो आपसे पूछा है कि हाउ मैनी काइट्स विथ टेल डज ही हैव तो उसके पास कुल मिलाकर शोर्ट टेल के कितने काइट्स हैं ये तो है ही हैं उसके पास शोर्ट टेल के काइट्स इतने तो मतलब इसके अलावा इतने और हैं ये बोला है ना कि मोर देन द विद लॉन्ग टेल एंड वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन मोर देन दैट विथ शोट टेल ओके okay? देखो इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी ए काइट सेलर हैज काइट्स विद लॉन्ग टेल्स टू हंड्रेड फिफ्टी फोर एंड शॉर्ट टेल काइट्स मोर देन लॉन्ग टेल वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन तो टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट टेल काइट्स पूछा है तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे टू फाइव फोर इनको प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिख लिया हमने और आपको पता ही है कि कैसे पीछे से लिखते हैं वंस टेन्स हंड्रेड काउंट करते हैं हम है ना अब इनको हम ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे क्या होंगे शो टेल काइट्स होंगे टोटल ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी फोर येल्लो रेफल टिकट टेन रुपीज एंड एट्टी एट पिंक रुपीज ट्वेंटी रेफेल टिकट वर सोल्ड हाउ मैनी रेफेल टिकट्स वर सोल्ड इन ऑल यानी फिफ्टी फोर जो है वो येलो रेफेल टिकट्स हैं और 88 पिंक रेफल टिकट सोल्ड हुई हैं ठीक है हाउ मैनी रेफल टिकट्स वर सोल्ड आपसे टिकट की संख्या पूछी कि कितनी टिकट सोल्ड हुई है ना कि आपसे ये पूछा गया कि कितने रुपए की टिकट सोल्ड हुई है अगर ये पूछा होता कि कितने रुपीज की रेफल टिकट सोल्ड हुई है तब तो हम क्या करते पैसे को ऐड करते लेकिन हमें अब पूछा है कि रेफेल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है तो रेफेल टिकट की संख्या हमें पता है येलो कितनी है 54 है और पिंक कितनी है 88 है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी रेफ्रल टिकट की संख्या आ जाएगी जो बेची गई है फोर वंस की प्लेस पे फाइव टेंस की प्लेस पे एट एट अब हम इनको ऐड कर लेंगे ठीक है यहाँ पे देखो एट प्लस फोर ट्वेल्व वन कैरी ओवर ऑन टेंस प्लेस एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन और वन फोर और वन हंड्रेड की प्लेस पे जाएगा अब यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब जीरो जीरो वन में जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू वन ये वन जो है वो हंड्रेड प्लेस पे लिखा जाएगा क्लियर वन हंड्रेड फोर्टी टू रैफल टिकट सोल्ड हुई क्लियर आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू